नमस्कार दोस्तों, मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्र मैस्ट्रो में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रश्न कुंडली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम पहुंच चुके हैं प्रश्न कुंडली भाग 3 पर। प्रीवियस वीडियो में मैंने मूक प्रश्न में धातु से रिलेटेड प्रश्न के बारे में हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे ये बताया था। अब दो पोर्शन इस वीडियो में रह गए थे, एक आपका मूल से रिलेटेड और एक आपका जीव से रिलेटेड प्रश्नों को हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो धातु से रिलेटेड जो मैंने बताए थे प्रश्न कुंडली में, उसमें हमको तीन चीज़ें देखनी है। नंबर वन कि एनी प्लेनेट प्लेस्ड और एस्पेक्टिंग हाउस नंबर 1, 5 और 9। दूसरा, लग्न भी उसी प्लेनेट के नवांशा में होनी चाहिए, वो प्लेनेट खुद भी अपने ही नवांशा में होना चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू धातु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि वो आपका मूल से रिलेटेड क्वेश्चन कब होगा। तो फर्स्ट कंडीशन यहां पर भी वही है, ए प्लेनेट प्लेस्ड और एस्पेक्टिंग हाउस नंबर 1, 5 और 9। कोई भी प्लेनेट हाउस नंबर 1 और 5, 9 से एस्पेक्ट या प्लेसमेंट के हिसाब से एसोसिएट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन मगर यहां पर बदल जाती है, यहां पर लग्न आपके उस प्लेनेट के नवांशा में नहीं होगी, कहीं भी हो सकती है, उस प्लेनेट के नवांशा में नहीं होगी, जबकि धातु के केस में उस प्लेनेट के नवांशा में ही होती है। थर्ड वन कंडीशन भी यह है, प्लेनेट इज ऑल्सो नॉट इन इट्स ओन नवांशा। तो यहां पर पिछली तीन कंडीशनों में पहली कंडीशन सेटिस्फाई क्या होती है कि आपका 1, 5, 9 में कोई भी प्लेनेट हो या उसे एक्सपेक्ट कर रहा हो, लग्न उस प्लेनेट के नवांशा में नहीं होनी चाहिए। थर्ड वन, आपका वो प्लेनेट खुद भी अपने नवांशा में नहीं है तो वो क्वेश्चन मूल से रिलेटेड होगा, मूल मींस वनस्पति से रिलेटेड होगा। नेटिव ने जैसे ही पूछा तो हम देख लेंगे कि वो वनस्पति मतलब कोई भी स्थिर चीज से रिलेटेड होगा। अब वो वनस्पति कौन सी होगी ये डिसाइड करना है। ऑल्दो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, पर यदि रफली हम देखते हैं तो वनस्पति विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लग्न। लग्न क्या है उससे रिलेटेड वनस्पति हो सकती है, लग्न का नवांशा क्या है उससे रिलेटेड हो सकती है, और प्लेनेट के नवांशा से रिलेटेड वनस्पति हो सकती है। तो इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि वो क्वेश्चन जो मूक प्रश्न है वो आपका मूल से रिलेटेड है। अब थर्ड वन हम बात करने वाले हैं, दैट इज रूल नंबर 3। तो आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स पे भी भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सभी बातों को मैं अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करता हूँ। अब बात करते हैं थर्ड वन। तो धातु से रिलेटेड हमने बताया, मैं फिर कंडीशन को रिपीट कर रहा हूँ, 1, 5, 9 से एक प्लेनेट एसोसिएट होना चाहिए, लग्न भी उसी प्लेनेट के नवांशा में होनी चाहिए, प्लेनेट भी खुद अपने नवांशा में है तो धातु से रिलेटेड हो गया, 1, 5, 9 से कोई भी प्लेनेट एसोसिएटेड है मगर लग्न उस प्लेनेट के नवांशा में नहीं है और वो प्लेनेट भी अपने नवांशा में नहीं है तो प्रश्न हो गया आपका मूल से रिलेटेड। अब थर्ड आता है जीव से रिलेटेड प्रश्न कब होगा। तो फर्स्ट कंडीशन वही है, ए प्लेनेट इज प्लेस्ड और एस्पेक्टिंग 1, 5, 9। तो कोई भी प्लेनेट हाउस नंबर 1, 5 और 9 से एसोसिएट होना चाहिए। अब सेकंड कंडीशन में लग्न उसी प्लेनेट के नवांशा में होनी चाहिए यहां पर, मगर थर्ड कंडीशन में प्लेनेट इज नॉट इन इट्स ओन नवांशा, तब आपका प्रश्न जीव से रिलेटेड होगा। अब किस जीव से रिलेटेड होगा ये इसका सेकंड पार्ट है। तो वो लग्न या लग्न के नवांशा या उस प्लेनेट के नवांशा से रिलेटेड राशि से रिलेटेड जीव हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि हर एक आपका प्लेनेट किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। कि सपोज वो प्लेनेट हो गया आपका जुपिटर, तो जुपिटर हमें मालूम है कि किस चीज से आपका संतान का कारक है, तो इसका मतलब संतान से रिलेटेड प्रश्न हो सकता है। वो प्लेनेट हो गया आपका सन, तो हमें मालूम है सन पिता का कारक है तो प्रश्न पिता से रिलेटेड हो सकता है। वो प्लेनेट हो गया सपोज वीनस, तो वीनस
वाइफ का या हस्बैंड का कारक है, जुपिटर भी होता है कभी कभी, तो हम कहेंगे कि वो वाइफ से रिलेटेड प्रश्न हो गया। नेक्स्ट, मैं अभी इसी में एक्सटेंड करता हूँ। समटाइम्स हम लग्न के बेस पर भी डिसाइड करते हैं कि प्रश्न मूल से रिलेटेड है, मेटल से रिलेटेड है या जीव से रिलेटेड है। यदि हमारी लग्न ऑड साइन की है, लग्न 1, 3, 5, 7, 9, 11 साइन की लग्न है प्रश्न कुंडली की, अब हमें देखना है कि उस नेटिव का जो मूक प्रश्न है वो किस चीज से रिलेटेड होगा, तो हम उसका नवांशा बनाएंगे लग्न का। लग्न का नवांशा हम देखेंगे, यदि लग्न का नवांशा 1, 4 या 7 हो, तो नवांशा यदि 1, 4, 7 है तो क्वेश्चन आपका मेटल से रिलेटेड होगा। 2, 5, 8 हो तो क्वेश्चन मूल से रिलेटेड होगा। 3, 6, 9 हो तो क्वेश्चन जीव से रिलेटेड होगा। इसको लर्न करने का तरीका है, हम मेटल, मूल और जीव लिखेंगे और आप नवांशा लिखते जाइए। मेटल के लिए 1, मूल के लिए 2, जीव के लिए 3, फिर फोर्थ मेटल के लिए आ जाएगा, फिफ्थ मूल के लिए आ जाएगा, सिक्स जीव के लिए आ जाएगा, सेवन्थ मेटल के लिए आ जाएगा, एट्थ मूल के लिए आ जाएगा और नाइन्थ जीव के लिए आ जाएगा। तो यदि नाइन्थ नवांशा में लग्न जा रही है तो आप कहोगे जीव से रिलेटेड प्रश्न है। यदि लग्न ऑड साइन की है, उसका नवांशा यदि आपका 5, 5th नवांशा आ रहा है, तो हम कह देंगे मूल से रिलेटेड प्रश्न है। इसी तरीके से लग्न इज ऑफ इवन साइन, लग्न यदि नेट प्रश्न कुंडली की आपकी आती है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, तो हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि प्रश्न किस चीज से रिलेटेड होगा, तो फिर हम लग्न का नवांशा देखेंगे। इवन साइन के केस में पिछला वाला ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। पिछले वाले ऑर्डर में हमने सबसे पहले लिखा था मेटल, फिर लिखा था मूल, फिर लिखा था जीव, जब आपकी लग्न ऑड थी। जब लग्न इवन है तो सबसे पहले लिखेंगे हम जीव, फिर हम लिखेंगे मूल, फिर हम लिखेंगे धातु, और इसके बाद आपका ऑर्डर वही रखेंगे। जीव के लिए फर्स्ट नवांशा, मूल के लिए सेकंड और धातु के लिए थर्ड, फिर फोर्थ नवांशा फिर जीव के लिए आएगा, फिफ्थ आपका मूल के लिए आएगा, सिक्स धातु के लिए आएगा, सेवन्थ जीव के लिए, एट्थ मूल के लिए और नाइन्थ धातु के लिए आएगा। इस तरीके से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि यदि इवन साइन है लग्न का और आपका लग्न 8th नवांशा में जा रहा है, तो हम डिसाइड करेंगे कि मूल के लिए प्रश्न है। मूल के लिए इवन और ऑड दोनों में सेम ही होता है आपका। 2, 5, 8 यदि नवांशा आ रहा है तो मूल से रिलेटेड ही होगा, मगर इवन और ऑड के केस में जीव और धातु से रिलेटेड बदल जाएगा। यदि इवन लग्न है और 1, 4, 7 नवांशा आ रहा है आपका लग्न का, तो वो जीव से रिलेटेड प्रश्न होगा। तो इस तरीके से हम इन चीजों को डिसाइड कर सकते हैं। अब इसी उसमें मैं एक नेक्स्ट छोटा सा पोर्शन कवर करूंगा कि हमें प्रश्न पूछा जाता है कि वेदर एनिमी विल कम और नॉट, आपके पास दुश्मन अटैक करेगा या नहीं करेगा, या कोई भी पर्सन आपकी कंप्लेंट करेगा, आपके अगेंस्ट में कोर्ट में जाएगा या आपके आपको हार्म करेगा किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर दो पार्टीज होगी, एक पार्टी वो होगी जो आपके ऊपर अटैक करने वाली है, आपकी कंप्लेंट करने वाली है, आपको हार्म करने वाली है, उस पार्टी को या यी बोलते हैं। या यी, हुएवर इज अटैकिंग और हार्मिंग यू इज या यी। और आप घर पे बैठे हो, आपके घर पे आ गया किसी ने अटैक कर दिया, तो वो या यी हो गया। और आप जब घर पे बैठे हुए हैं, आपके ऊपर अटैक होने वाला है, आप उसको झेलने वाले हैं, तो आप स्थायी हो गए, तो आपको अपने आप में डिपेंड करना है। तो हुएवर डिफेंडिंग सेविंग हिमसेल्फ और योर सेल्फ इज स्थाई। तो हम दो तरीके के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि कोई एनिमी आपका है वो याई होगा और आप अपने आप को बचा रहे हैं, आप स्थाई होंगे। इस तरीके से दो तरीके के पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेंगे, एक अटैकर हो गया और दूसरे हम हो गए। तो आज के टाइम में उस तरीके का अटैक तो होता नहीं, किसी इंडिविजुअल पे अटैक क्या होगा कि आपसे किसी तरीके का कोई हार्म करने की कोशिश करेगा, या फिर आपसे किसी की लड़ाई हो सकती है। तो यदि हमें इस तरीके का प्रश्न कोई भी नेटिव पूछता है,
तो हमें क्या देखना है, उस नेटिव का चार्ट देखना है। नेटिव का चार्ट के अंदर, नेटिव के लिए यदि आपको देखना है, स्थाई देखना है, तो हम हाउस नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जाएंगे। ये मैं एक चार्ट ले लिया है। तो नेटिव जिसे हम स्थाई बोलते हैं, और जो आपका दुश्मन है वो यही है, तो हाउस नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 देखेंगे। यदि आपके हाउस नंबर 3, 4, 5, 6 में मैलिफिक प्लेनेट है, 8th में भी मैलिफिक प्लेनेट है, मगर 7th में बेनिफिक प्लेनेट है, यहाँ पर केवल बेनिफिक है, और इन सभी हाउसेज में मैलिफिक प्लेनेट है, तो आप अपने याई मतलब दुश्मन को ओवरकम कर जाओगे, वो आपको हार्म नहीं कर पाएगा। तो प्रश्न कुंडली में हम इस तरीके से देखेंगे, यदि हाउस नंबर 3, 4, 5, 6 और 8th में मैलिफिक प्लेनेट है और 7th में यदि बेनिफिक प्लेनेट है, तो आपका जो दुश्मन है ये आपका ये पोर्शन स्थाई को रिप्रेजेंट करता है, हाउस नंबर 3 to 8, और याई को रिप्रेजेंट करता है हाउस नंबर 9 to 2। ये याई को रिप्रेजेंट करते हैं हाउस नंबर 9 to 2। तो आपने स्थाई के बारे में देखना है, तो हम हाउस नंबर 3 to 8 देखेंगे। 3 से 8 तक सभी में मैलिफिक प्लेनेट होने चाहिए, एक्सेप्ट टू हाउस नंबर 7, वहां पर यदि मैलिफिक प्लेनेट है, हाउस नंबर 7 यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे बेनिफिक है, बाकी 3 to 8 मैलिफिक है, तो आप अपने आपका दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, आपको हार्म नहीं कर पाएगा, आप उसे ओवरकम कर पाएंगे। अब याई के लिए देखना है, तो याई के लिए हमें देखना पड़ेगा हाउस नंबर 2 to 9। यदि हाउस नंबर 2 से 9 तक सभी हाउसेज में मैलिफिक प्लेनेट है, मगर आपका लग्न या फर्स्ट हाउस में बेनिफिक प्लेनेट है, तो याई आपको नुकसान पहुंचा पाएगा। यदि आपको हाउस नंबर 2 से 9 देखना है, तो वो आपके दुश्मन का आप पोर्शन देख रहे हैं। यदि उसके हाउसेस 2, 12, 11, 10 और 9 के अंदर मैलिफिक है, और लग्न में प्रश्न कुंडली के में यदि बेनिफिक प्लेनेट आ रहा है, तो याई आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपका आपके ऊपर एनिमी अटैक करेगा नहीं करेगा, और अटैक करेगा तो वो आपको नुकसान पहुंचा पाएगा या नहीं पहुंचा पाएगा। ये आप एक PDF वो कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इफ मैलिफिक इज इन 3, 4, 5, 6 and 8 हाउस एंड बेनिफिक इज इन 7th हाउस ऑफ स्थाई, ही विल बी एबल टू विन ओवर याई। इफ मैलिफिक इज 9, 10, 11, 12 एंड 2nd हाउस एंड बेनिफिक इज इन 1st हाउस मीन्स लगना, देन याई विल बी एबल टू हार्म अस, अस मीन्स स्थाई को हार्म कर पाएगा। तो ये कुछ एक प्रश्न कुंडली के कंसेप्ट आपको मैंने एक्सप्लेन किए हैं। आप आगे मेरे वीडियोस को देखते रहिए, तो उसमें जितने भी न्यू कंसेप्ट है वो मैं टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करता रहूँगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।